गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड बाय सेंट्रल स्कूल एंड कॉलेज। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू फॉर्मेटिंग स्लाइड्स इन पावर पॉइंट फॉर क्लास 5th। तो इन प्रीवियस क्लास वी हैव यूज पावर पॉइंट फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशन। हम पहले ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम एक ग्रुप ऑफ एक लार्ज ग्रुप के ऑडियंस को एक पर्टिकुलर बंदा क्या कर सकता है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन दे सकता है और वो भी अट्रैक्टिव फॉर्म में दे सकता है, ताकि जो ऑडियंस है उनको क्या करे, उस चीज़ में इंटरेस्ट रहे, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्या रहे, इंटरेस्ट रहे। तो आ प्रेजेंटेशन इज अ डिस्प्ले ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेज, एनिमेशंस एंड साउंड। ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, लास्ट वाले उसमें देखिए, जैसे फोटो दी गई है, एक लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं यहाँ पे और टीचर क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ा रहा है। जैसे कि हम इस वक्त आपको पढ़ा रहे हैं, सेम वैसे ही क्या होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी, सेम एक लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर टीचर पढ़ा सकता है या फिर एक कोई भी बंदा जो कि किसी चीज़ के ऊपर इंफॉर्मेशन दे रहा हो तो वो दे सकता है। अब प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्लाइड्स। और प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होती है, एक स्लाइड नहीं होती, कई सारी स्लाइड्स होती हैं, बहुत सारी स्लाइड्स मिलकर क्या करते हैं, एक प्रेजेंटेशन बनाता है। और जब कई सारी स्लाइड्स को किसी एक कंप्यूटर स्क्रीन या फिर क्या करा जाए, कंप्यूटर के थ्रू, एक प्रोजेक्टर के थ्रू एक स्क्रीन पर शो किया जाता है, जैसे कि हम इस वक्त आपको कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है स्लाइड शो। ठीक है, अब क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन, अगर हमें नया प्रेजेंटेशन बनाना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट यहीं पे हमें ऊपर ही मिल गया। अगर नहीं मिल रहा हो तो हम ऑल प्रोग्राम्स में जाके भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑल प्रोग्राम्स में रहे एमएस ऑफिस और ये रहा हमारा एमएस ऑफिस पावर पॉइंट। ठीक है, तो ये पाने से पावर पॉइंट खुल गया, ये विंडो हमारी सामने बन के आ गई, जो कि क्या है, डिफ़ॉल्ट विंडो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जब हम इसे खोलते हैं। ठीक है, अब हमें अगर यहाँ पे क्या करना हो, एक नया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना हो तो हम फाइल टैब में जाके एक न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें जैसा भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना हो, सपोज़ करिए ऐसा क्लासिक बनाना है या कंटेम्प्रेरी फोटो ग्रुप एल्बम बनानी है, तो हमने क्रिएट किया और ये देखिए सामने खुल के हमारा प्रेजेंटेशन आ गया। ये टेम्पलेट है डिफ़ॉल्ट, हमारे पास कई सारे डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स होते हैं, मतलब पहले से ही पावर पॉइंट के थीम्स बनी हुई हैं, अब उसमें हम अपने आप क्या कर सकते हैं, फ़ोटोज़ को चेंज कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक, तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्री प्लान जो प्रेजेंटेशंस बनी हुई हैं उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा बिल्ट इन टेम्पलेट्स, हमने यहीं से इसको खोला है, बिल्ट इन टेम्पलेट्स हमने खोल के ऑलरेडी दिखा दिया, टेम्पलेट्स आर प्री डिज़ाइन प्रेजेंटेशंस, हमने वैसे बताया पहले से ही डिज़ाइन नहीं है। ठीक है, इनमें हमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं करनी है, पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन है और इसी में हम जाके क्या करते हैं, अपने काम को करते हैं। फिर है इंस्टॉल्ड थीम्स भी हैं भाई, हमने इंस्टॉल्ड जैसे हमने यहाँ से किया है, अगर हम न्यू ऑप्शन पे जाएँ तो ये इंस्टॉल्ड थीम्स, अगर हमें कोई थीम के थ्रू बनाना हो तो हम थीम के थ्रू भी कर सकते हैं, देखिए है ना। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, इंस्टॉल्ड थीम्स भी मिल जाएगी या फिर क्या मिल जाएगा, हमारा पहले से ही जो हमने टेम्पलेट्स बना रखे थे बिल्ट इन टेम्पलेट्स, वहाँ से भी अपनी स्लाइड को क्रिएट कर सकते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट विंडो, ये लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा था कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो भाई सबसे पहले जब हम पावर पॉइंट की विंडो को खोलते हैं तो हमें क्या क्या दिखता है, तो ये क्या है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है, ये यहाँ पे क्या है हमारा टाइटल बार है, ये हमारा पूरा इतना बड़ा सा क्या है रिबन कहलाता है, यहाँ पे फिर नीचे आता है हमारा ये जो है वो है स्टेटस बार। ठीक है, और यहाँ पे एक और पेन आता है नोट्स पेन, जो कि आपको यहाँ दिखाई देगा इसमें, ये रहा नीचे क्लिक टू ऐड नोट्स। ठीक है, तो ये क्या है हमारा नोट्स पेन कहलाता है, इसमें नहीं दे रखा है लेकिन लास्ट ईयर आपने पढ़ा था, ये नोट्स पेन कहलाता है हमारा, ये दोनों क्या कहलाते हैं प्लेस होल्डर्स कहलाते हैं, ये पूरी जो वाइट कलर की दिख रही है बड़ी सी, इसको स्लाइड कहा जाता है। और यहाँ पे वर्ड 2000, जब हम पावर पॉइंट 2010 की बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमको जो यहाँ पे ये बटन दिख रहा है ऑफिस बटन, इसकी जगह यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, एक फाइल टैब अलग से बना दी, तो वो क्या कहलाया जाता है फाइल टैब, जो कि आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, ये क्या कहलाया जा रहा है फाइल टैब, वो सेम वैसे ही काम करता है जैसे कि वर्ड 2000 ऑफिस पावर पॉइंट 2007 में जैसे कि हमारा ऑफिस बटन काम करता है, सेम वैसे ही पावर पॉइंट 2010 में हमारा फाइल टैब काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, हमने ये सब पढ़ लिया। नेक्स्ट है इंसर्टिंग अ स्लाइड, इंसर्ट कैसे करते हैं भाई स्लाइड, तो हम न्यू ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे होम टैब में जाएंगे, होम टैब में हमको स्लाइड वाले ऑप्शन में ये न्यू स्लाइड का ऑप्शन मिला, हमने जैसी भी स्लाइड एंटर करनी है हम यहाँ से क्लिक करें तो इस टाइप की स्लाइड क्या हो जाएगी हमारी एंटर हो जाएगी। ठीक है, एड इंसर्ट हो जाएगी, सॉरी।
फिर एडिटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को कैसे एडिट करना है हमको, तो ये स्लाइड हमने खोली, इस पर हमने जाके क्लिक किया प्लेस होल्डर पर, और यहाँ पे हमें कुछ भी लिखना हो, अपने स्कूल का नाम लिखना हो तो हम अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने अपने स्कूल का नाम लिख दिया, ठीक। तो ये क्या हो गया, इंसर्टिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को अगर हमें एंटर करना है, इसको एडिट करना है, तो एडिट करने का भी तरीका है भाई, कैसे एडिट करेंगे इसको, हमने क्या करा, पूरा इसको सिलेक्ट किया और ये देखिए एडिट का ऑप्शन खुल के सामने आ गया। अब इसमें हम जो भी एडिट करना हो, इंजीनियरिंग डालना हो तो ये डाल दिया, इसका फ़ॉन्ट साइज चेंज करना हो तो वो कर लिया, बड़ा करना हो तो ये भी कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, बोल्ड, इटैलिक, कलर चेंज करना हो हमें, इसलिए कलर नहीं पसंद भाई रेड, हम क्या करते हैं येलो करना चाहें तो येलो हो गया, ठीक है। बैकग्राउंड चेंज करना हो तो ये भी कर सकते हैं, ब्लैक पे येलो से लिख दिया, तो बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। आपके पास अगर घर में लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो आप उस पर भी खोल के इसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, अलाइनिंग टेक्स्ट, अगर हमें टेक्स्ट को अलाइन करना है तो हम कैसे करेंगे, तो अलाइन को, टेक्स्ट को अलाइन करने के भी कई सारे तरीके होते हैं हमारा, अलाइन लेफ्ट है, अलाइन राइट है, सेंटर है और जस्टिफाई है, ठीक है। अगर हमें लेफ़्ट अलाइन करना है तो हम लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं, हमें राइट अलाइन करना हो तो राइट अलाइन कर सकते हैं, हमें सेंटर में डालनी हो थीम तो हम सेंटर कर सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है, जब हमारी लेफ़्ट और राइट की एजेस जो होती हैं दोनों के बीच में टेक्स्ट जो हो वो प्रॉपरली अलाइंड हो, ना लेफ्ट में हो ज़्यादा ना राइट में हो, बिल्कुल प्रॉपर अलाइन हो दोनों एजेस के बीच में, तो वो क्या कहलाता है, जस्टिफाई ऑप्शन कहलाता है। सेंटर का मतलब तो आपको पता ही है, सेंटर का मतलब बीच में, बिल्कुल सेंटर, ठीक है। ये रहे सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये रहा लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और जस्टिफाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी इसमें। नेक्स्ट क्या है हमारा, टेक्स्ट का डायरेक्शन, टेक्स्ट का डायरेक्शन हमें कैसा रखना हो, ऊपर रखना हो, नीचे रखना हो, ठीक है, जैसे भी रखना हो उस तरीके से हम अपना कर सकते हैं। ये देखिए टेक्स्ट का डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, रोटेट ऑल द टेक्स्ट, ये देखिए वैसे हो गया, इस तरीके से लिखना हो तो इस तरीके से लिख दिया, नहीं तो हमें स्टैट लिखना हो तो इस तरीके से हो गया, ठीक है। ये क्या है हमारा, यहाँ से टेक्स्ट का डायरेक्शन भी चेंज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अलाइन टेक्स्ट, अलाइन टेक्स्ट का क्या करना हो, टॉप में करना हो, मिडिल में करना हो, बॉटम में करना हो, ये क्या है हमारा, अलाइन टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप देख सकते हैं अलाइन टेक्स्ट का ऑप्शन क्या है हमारा, यहाँ से, ठीक है। तो हमें कोई भी अलाइनिंग करनी हो अगर हमारे टेक्स्ट में, ऊपर नीचे साइड में, ठीक है, तो यहाँ से सारे ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, इंसर्टिंग स्लाइड, इंसर्ट स्लाइड करना हमने बता ही दिया, कहाँ से इंसर्ट होगी भाई स्लाइड, होम टैब में, न्यू स्लाइड में जाके हम यहाँ से स्लाइड को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट इन अ स्लाइड, किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड में इंसर्ट करना हो तो भाई किसी ऑब्जेक्ट को करना हो, जैसे कि हमें पिक्चर एंटर करनी है यहाँ से, तो हम पिक्चर ऑप्शन पे गए, यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ से इंसर्ट कर दी पिक्चर। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट हमने डाल दिया ना अपनी स्लाइड के अंदर, तो ये क्या हो गया रहता है, इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट्स इन अ स्लाइड, ठीक। नेक्स्ट है इंसर्टिंग पिक्चर, पिक्चर इंसर्ट करनी हो तो हम पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी करके दिखाया, ठीक। तो ये सारे ऑप्शन हैं। इंसर्टिंग वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट क्या होता है, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा है एमएस ऑफिस के वर्ड में पढ़ा है कि अगर हमें इसको क्या करना हो, इस टेक्स्ट को डिफरेंट डिज़ाइन में डालना, ठीक है, बहुत सारे डिज़ाइनिंग होते हैं ना, इस तरीके से हाईलाइट करना हो या ऐसे लिखना हो, तो ये देखिए ये आ गया है ना, तो इस तरीके से लिखना हो तो हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, ये क्या कहलाता है, वर्ड आर्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या, इंसर्टिंग शेप, अगर हमें शेप्स डालने हो तो हम शेप भी डाल सकते हैं, शेप डालने का ऑप्शन भी हमें मिल जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं, आप जैसे जैसे इसको देखेंगे वैसे वैसे आपको इसमें अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। ये रहा इसका शेप्स का ऑप्शन, ये देखिए अगर हमें स्माइली डालना हो तो ये देखिए स्माइली डाल दिया हमने, है ना। तो इस तरीके से हम कई सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था इसमें, जैसे इन्होंने एक शेप डाल के दिखाया है, ये क्या है, एरो, तो एरो भी एक शेप है, जैसे कि हमने यहाँ से डाल के दिखाए हैं अगर शेप्स में, तो एरो शेप आपको दिखाते हैं, देखिए एरो शेप कहाँ चला गया, ये रहा है ना, तो ये एरो शेप रहा, ये देखिए एरो शेप डाल दिया हमने, एरो शेप का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इधर से उधर दिखा सकते हैं, ठीक। तो ये था हमारा चैप्टर, अब हम आते हैं इसके टिक द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स पे। डैश कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट एडिशनल टेक्स्ट प्लेस होल्डर इन अ टेक्स्ट स्लाइड, तो टेक्स्ट बॉक्स,
Justify alignment option arranges the text evenly between the left and right edges of the placeholder. Horizontal is the default text direction. Write true or false. The extension of a template file is PPTX. True. Blank presentation let us create and format slides as per our choice. True. Align text has four options. Align left, align right, center and justify. True. It is possible to insert word art in a slide. ये भी क्या होगा? True. फिल इन द ब्लैंक्स में जाएंगे तो सबसे पहला क्या है? टेम्पलेट होगा. नेक्स्ट होगा अ प्लेस होल्डर होल्ड्स ऑब्जेक्ट इन अ स्लाइड. द रिबन डिस्प्लेस कमांड इन डिफरेंट कैटेगरीज. टेक्स्ट डायरेक्शन कमांड इज यूज टू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ टेक्स्ट इन द प्लेस होल्डर. और लास्ट क्या है? अलाइन टेक्स्ट कमांड इज यूज टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट बिटवीन द टॉप एंड बॉटम एजेस ऑफ द प्लेस होल्डर. ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था. अच्छा हाँ, एक जगह यहाँ पे बहुत एक गलती कर रखी है इन्होंने, बुक में मिस प्रिंटिंग है. द एक्सटेंशन ऑफ अ टेम्पलेट फाइल इज POTX लिखा हुआ है. ये POTX नहीं होगा, ये BPTX होगा. ठीक है, हमेशा हमारी जो भी फाइल होती है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? PPTX होता है. ठीक है, यहाँ पे ये गलती है तो इसको आप सही कर लीजिएगा. ठीक, हम आप नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. तो क्वेश्चन आंसर्स में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम देख रहे हैं. एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या है हमारे? फर्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ ब्लैंक प्रेजेंटेशन. तो आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन लेट्स अस क्रिएट एंड फॉर्मेट स्लाइड्स एज पर आर चॉइस. ठीक है, क्या कर सकता है ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन? हमें मदद करता है इसमें क्रिएट करने के लिए और फॉर्मेट करने के लिए अपनी स्लाइड को एज पर आर चॉइस. व्हाट इज थीम इन पावर पॉइंट? थीम इज अ सेटिंग एंड प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट. ठीक है, थीम क्या है? एक प्री डिफाइंड सेटिंग एंड प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स है, फोन्स है, इफेक्ट्स है, बैकग्राउंड स्टाइल्स एंड कंटेंट फॉर स्लाइड्स. ठीक है, डिफाइन क्लिप आर्ट कमांड एंड शेप कमांड. ठीक है, क्लिप आर्ट कमांड और शेप कमांड हमें क्या करती है? दो थीम इज ये हम आगे देखते हैं इसमें क्या करती है. तो क्लिप आर्ट कमांड इज यूज टू इंसर्ट क्लिप आर्ट इमेजेस इन अ स्लाइड, वेयर एज Shapes command is used to insert adding and geometric shape in a slide. ठीक है, नेक्स्ट हमारे बढ़ते हैं हम किसकी तरफ? बुक क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. वॉट इज द यूज ऑफ बिल्ट इन टेम्पलेट्स इन पावर पॉइंट? तो टेम्पलेट्स आर प्री डिफाइंड प्री डिजाइंड प्रेजेंटेशन दैट कंटेन्स लेआउट्स कलर्स फोन्स इफेक्ट्स दैट कैन बी अप्लाइड टू द प्रेजेंटेशन. ठीक है, हाउ विल यू एड एडिशनल टेक्स्ट इन योर स्लाइड्स? तो फर्स्ट है स्टेप वन क्लिक ऑन इंसर्ट टैब. स्टेप टू है क्लिक ऑन द टेक्स्ट बॉक्स फ्रॉम द टेक्स्ट ग्रुप. स्टेप थ्री है ड्रैग द माउस पॉइंटर ऑन द स्लाइड व्हेन यू वांट टू ऐड द टेक्स्ट. अ टेक्स्ट बॉक्स अपीयर्स विद अ ब्लिंकिंग कर्सर. और स्टेप फोर है एंटर द टेक्स्ट एज नीडेड. ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री है राइट द स्टेप्स टू इंसर्ट स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन. तो स्टेप वन है क्लिक ऑन द होम टैब इन द रिबन. स्टेप टू है क्लिक ऑन न्यू स्लाइड ऑप्शन. स्टेप थ्री चूज एंड क्लिक ऑन अ लेआउट फॉर द स्लाइड. दिस इंसर्ट्स द न्यू स्लाइड विद द सिलेक्टेड लेआउट. एंड ये हमारा पूरा आंसर इसी में है. ठीक है, तो स्टेप राइट द स्टेप्स टू इंसर्ट स्लाइड में तो सबसे पहले हम होम टैब पे क्लिक करेंगे रिबन के ऊपर, फिर क्लिक ऑन न्यू स्लाइड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. उसके बाद स्टेप थ्री में चूज एंड क्लिक ऑन द लेआउट फॉर द स्लाइड. दिस इंसर्ट्स द न्यू स्लाइड विद द सिलेक्टेड. लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ अलाइन टेक्स्ट? तो अलाइन टेक्स्ट कमांड इज यूज टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट बिटवीन टॉप एंड बॉटम एजेस ऑफ अ प्लेस होल्डर. तो ये सारे आपके क्वेश्चन आंसर्स थे. आप क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में करेंगे और जो बुक की एक्सरसाइज कराई है वो बुक में ही करेंगे. कोई भी बच्चा उसको कॉपी में नोट डाउन नहीं करेगा. ठीक है, और जब भी आपको ये क्वेश्चंस लिखने हो अपनी कॉपी में तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा वहाँ पे और पहले क्वेश्चन आंसर्स नोट करके फिर आगे उसको फिर से प्ले कर दीजिएगा. ठीक है, थैंक यू.